हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, हाय, माय नेम इज अर्चिता। आई मैनेज टू क्रिएट यूट्यूब कंटेंट विद माय 9-to-5 जॉब। सो आई क्रिएट वीडियोस ऑन फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल। सो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज का वीडियो क्या होने वाला है ये तो आपको टाइटल और थंबनेल देके पता चल ही गया होगा। सो गाइस, मैं लाई हूँ आप लोग के लिए मीशो शॉर्ट कुर्ती हॉल, एंड ये हॉल आपके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। इस हॉल में स्टार्टिंग प्राइस है आपकी 200 रुपीज, सिर्फ 200 रुपीज से कुर्ती स्टार्ट होने वाली है, एंड जो एंड प्राइस है वो है 350, उसके आगे कोई कुर्ती नहीं गई है। सो ये हॉल आपके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहे हमारे सारे पैकेजेस, एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने अभी तक खोले भी नहीं है, एंड ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने इतना वेट किया है इनको खोलने का कि सारे पैकेजेस आ जाए उसके बाद मैं खोलूंगी। मैं उस टाइप की हूँ ना, मुझे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है गाइस। जैसे ही मेरे पैकेजेस आते हैं ना, मेरे को हल्की हल्की खोलना होता है, देखना होता है कि क्या है, कैसा है। एंड ये इस हॉल के लिए मैंने इतनी सारी कुर्ती ऑर्डर करी, तो मैंने इतना वेट किया कि कब सारे पैकेजेस आ जाएंगे। फाइनली मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी एंड आप लोगों को दिखाऊंगी, एंड साथ ही साथ मैं भी देखूंगी, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना ये खोलने के लिए, और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। सो आप कमेंट में बताओ कि आप भी मेरी तरह पैकेजेस आते से ही खोल लेते हैं, आप में बहुत ही ज्यादा पेशेंस, तो कमेंट में आप जरूर बताना मेरे को नीचे। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट कुर्ती, एंड मैं आपके साथ ही इसको ओपन करने वाली हूँ। मुझे ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है गाइस, मैं वीडियो ना बिना पंखे और बिना एसी के रिकॉर्ड कर, प्लीज इसी बात पे वीडियो पे लाइक कर देना प्लीज। तो ये है हमारे पास हमारी फर्स्ट कुर्ती, देखने में तो मुझे काफी सुंदर लग रही है। लेट्स ओपन, वाओ, कैन यू गाइस सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। बहुत ही सुंदर लग रही है यार, फैब्रिक भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, ओवरऑल काफी सही लग रही है यार इतने प्राइस में। इसकी प्राइस एंड एवरीथिंग यहाँ मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर डिटेल्स, एंड फैब्रिक वाइज तो मुझे काफी सही लग रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं आपसे, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसी लग रही है फिटिंग। ओके, बाय बाय। ओ माय गॉड, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि मीशो से इतनी सुंदर कुर्ती मुझे मिलेगी। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा मिक्स टाइप का है, सो प्योर कॉटन मैं इसको नहीं बोलूंगी, थोड़ा मिक्स फैब्रिक टाइप का है। एंड आप देख सकते हैं 3/4 स्लीव्स हैं इसमें, एंड नेक लाइन कुछ इस टाइप की है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड मिनिमल टाइप का आपको कुर्ती मिलेगी, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर समर। एंड इसको आप कॉलेज, ऑफिस कहीं भी पहन के जाओगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपको। आप देख सकते हैं इसको मैंने ब्लैक पैंट्स के साथ ट्राई ऑन किया है, बट आई थिंक ये डेनिम के साथ भी बहुत ही अच्छा जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, इसका पैटर्न भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको दूंगी एक थम्स अप। तो नेक्स्ट जो कुर्ती है हमारे पास, इसमें मेरे को बाहर से कुछ ग्रीन कलर दिख रहा है, एंड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो लेट्स ओपन एंड सी कि इसमें क्या है। ग्रीनिश कलर की कुर्ती है। ओह माय गॉड, इसका फैब्रिक तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है यार, बहुत सॉफ्ट है ये गाइस, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इससे। तो देख सकते हैं ये भी शॉर्ट कुर्ती है, एंड इसकी भी नेक लाइन सेम ही है, बट इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा डिफरेंट है इस वाली से। क्या फैब्रिक है ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका फैब्रिक थोड़ा मिक्स टाइप का मुझे लगा, बट ये कुछ अलग ही फैब्रिक है। मैं देख के आपको बताऊंगी इसका फैब्रिक क्या है, बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके फिर मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रही है कुर्ती, एंड इसका फैब्रिक ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एंड ये कलर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। सो ऐसे नॉर्मली हम ऐसे कलर्स चूज नहीं करते हैं। आपने इसका पैटर्न भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा यूनिक टाइप का पैटर्न है इसमें, आपको मिलेगी 3/4 स्लीव्स यहाँ तक, एंड इसका नेकलाइन भी प्रीवियस वाली कुर्ती से थोड़ा सिमिलर है, बट आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुक दे रहा है। मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा समर अप्रोप्रिएट है, मैंने सारे कुर्ती समर का सोच के मंगाए हैं, एंड ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आप ऑफिस, कॉलेज कहीं भी आप पहन के जा सकते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देगा मेरे अकॉर्डिंग। सो इसको आप स्टाइल कर सकते हो एक विंटेज वॉच के साथ, एंड ऑफिस टोट के साथ, नीचे आई थिंक डेनिम एंड प्लाजो के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पैटर्न भी इसका बहुत अच्छा है, सो आप लोग भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन थर्ड वन, मेरा बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो मुझे लग रहा है। मेरे साथ ना ऐसा है कि खुलना भी जल्दी चाहिए और अच्छे से फटना चाहिए ना, ऐसा नहीं
चीरफाड़ कर दूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे प्रॉपर यू नो कि अच्छे से फटे और अच्छे से सब चीज़ निकले उसमें। सो ये है हमारे पास थर्ड कुर्ती एंड ये मैं देख सकती हूँ ब्लू कलर की है, इसका कलर कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ यार, इन सब के मटेरियल इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, मैं तो अभी भी शॉक में हूँ। सो ये हमारी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है अभी मुझे एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ गाइस, ये मीशो से ही आया है ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है मीशो से कुर्ती। सच बताऊँ तो मुझे लग नहीं रहा था ये इतना सुंदर आने वाला है। आई थिंक पहले इसको ट्राई कर लेते हैं फिर इसके बारे में टिप्पणी देंगे। सही बोला है ना मैंने, छोड़ो यार ट्राई करते हैं। ओके गाइस, सो ये है हमारा थर्ड कुर्ता एंड इसकी नेक लाइन थोड़ी कॉलर टाइप की है। सो आई थिंक ये ऑफिस में बहुत अच्छा जाएगा एंड ये लुक वही वाला दे रहा है एंड अगेन इसमें 3/4 स्लीव्स है एंड इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि साइज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा फिट है। आई थिंक एक साइज आपको अप लेना पड़ सकता है इसके लिए, ये नहीं बोलूंगी कुर्ता बेकार है, हाँ थोड़ा बहुत साइज का फर्क पड़ जाता है कभी कभी। ओवरऑल कुर्ता तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है एंड समर के अकॉर्डिंग ना ये प्योर कॉटन मुझे लग रहा है, इसका फैब्रिक ना प्योर कॉटन है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक ओवरऑल कुर्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड अगेन जैसे मैं आपको बोला बहुत ही ज्यादा समर अप्रोप्रिएट है ये, अच्छे से आप इसको स्टाइल भी कर सकते हो, किसी डेनिम प्लाजो के साथ भी आप इसको पहन सकते हो, आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ओके सो कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट कुर्ता, बाहर से मुझे दिख रहा है ये येलो कलर का है एंड मैं इसको ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैंने काफी लोगों के पास देख लिया है ना, ऑर्डर करने के बाद मैंने रियलाइज किया ये काफी मैंने यूट्यूब पे इसको देख लिया है बट ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट कुर्ता है, बहुत ही सुंदर येलो कलर में है एंड ये इसका स्टाइल है लाइक पैपलम टॉप जैसा, नीचे से फ्रॉक स्टाइल है, इसलिए मुझे बहुत ही सुंदर लगा था फर्स्ट टाइम में ही। इस पर बांधनी प्रिंट है एंड आई थिंक बांधनी प्रिंट काफी चल भी रहा है अभी एंड साथ ही इसमें आपको ये टाइप भी दिया गया है। सो अगर आपकी फिटिंग आगे से लूज है तो आपको इसको पीछे है ना से टाइप करके इसकी फिटिंग सही आ जाएगी। ओवरऑल तो मुझे काफी सही लग रहा है, तो देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है। गाइज ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, यहाँ से थोड़ा इश्यू है साइज का, फिटिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा अच्छी लगी नहीं इसकी, इतना मुझे फोटो में अच्छा लग रहा था। आई थिंक एक साइज अगर मैं कम जाऊंगी तो भी इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है यहाँ साइड से। कुर्ता तो बहुत सुंदर है लाइक अलग ही इसका पैटर्न एंड डिजाइन एवरीथिंग है, बट मैं ट्राई करूंगी अगर ये ऑल्टर होता है अच्छे से तो मैं जरूर इसको ट्राई करूंगी। बाकी इसका नेकलाइन डीप नेक है इसका एंड देख सकते हो कट स्लीव है, इसका फैब्रिक जो है वो है प्योर कॉटन एंड वैसे प्रिंट वाइज मुझे काफी सुंदर लग रहा है। इस कुर्ते में दो कलर थे, एक येलो एंड रेड, सो आपको अगर रेड पसंद है तो आप रेड भी ले सकते हो, बट मेरे पास येलो कुछ था नहीं तो मैंने येलो ले लिया। वैसे लुक इसका बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, सो आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो आराम से एंड ओवरऑल भी मुझे सही लगा, बस थोड़ा फिटिंग का इशू था बट आई थिंक इट्स फाइन। ओके सो ये है हमारे पास नेक्स्ट कुर्ता एंड इसमें मुझे बाहर से अगेन ब्लू कलर दिख रहा है कुछ, लेट्स ओपन एंड सी। यू ये है हमारा नेक्स्ट कुर्ता एंड ये मुझे लग रहा है जो फर्स्ट टू जो हमने ट्राई किए थे फर्स्ट उसी जैसा होने वाला है, ओपन एंड सी। ये है हमारा कुर्ता एंड इसका फैब्रिक जो है प्योर कॉटन है, प्योर पैटर्न मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका यार, थोड़ा डिफरेंट सा एंड मुझे पता नहीं क्यों मुझे ब्लू कलर इतना पसंद आ रहा है आजकल कि मैंने 3 कुर्ते आई थिंक ब्लू में ले लिए, ब्लू एंड व्हाइट में, बट मुझे उसका दुख नहीं है सच में, आई एम तो लविंग इट। तो चलो इसको ट्राई करके देखते कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। गाइस कितना प्यारा लुक आ रहा है इस कुर्ते में, इसमें आपको मिलेंगे 3/4 स्लीव्स एंड इसकी नेकलाइन फर्स्ट टू जैसी ही है एंड आई थिंक इट्स जस्ट लुकिंग सो परफेक्ट। पैटर्न के कुर्ते बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक दे रहे हैं ये एंड ये अगेन ऑफिस के अकॉर्डिंग ना बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं तो इसको पक्का ऑफिस पहन के जाने वाली हूँ, जितना सुंदर लग रहा है मुझे लग रहा है इसको पहन के मैं घूमती रहूँ पूरे दिन, बहुत ज्यादा अच्छा फिट है इसका, पैटर्न बहुत अच्छा है, इतना इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये कुर्ता बहुत बेस्ट है, आपको कहीं और मिलेगा नहीं ऐसा कुर्ता। फैब्रिक वाइज भी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, आई थिंक समर के लिए और क्या चाहिए आपको, लाइक समर में आपको चाहिए बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल लूज फिटिंग टाइप का कुर्ता, लूज फिटिंग तो मैं नहीं बोलूंगी बट आई थिंक थोड़ा जिसमें आप ब्रीथ कर सको राइट, जो कुर्ता ये बेस्ट है उसके लिए। पैटर्न भी बहुत सुंदर है सो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट कुर्ता, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कुर्ते के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको पता चलेगा क्यों, लेट मी जस्ट ओपन दिस फर्स्ट। तो ये है हमारा लास्ट कुर्ता, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है बाहर से ही
ये थोड़ा अलग डिजाइन है सबके, जो जितने भी अभी हमने ट्राई किए हैं उससे थोड़ा अलग है। लेट मी जस्ट ओपन दिस। हाँ, लुक एट दिस, थोड़ा आलिया कट टाइप का कुर्ता है जो आजकल ट्रेंडिंग में है एंड आई थिंक बहुत ही सुंदर इसका कलर लग रहा है मुझे, कितना सुंदर लग रहा है यार ये। एंड साथ ही है इसमें ये मिरर वर्क भी किया गया है, इसे तो बिल्कुल भी वेट होने रहा है इसको ट्राई करने का। सब इसको ट्राई करके आई एम बैक गाइज एंड आई जस्ट लव इट। फाइनली मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पूरे हॉल में मेरा फेवरेट कुर्ती है ये वाली। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, कितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये आलिया कट की कुर्ती है, इसमें आपको मिरर वर्क भी मिलेगा एंड अगेन इसमें 3-4 स्लीव्स है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मेरा ना दिल आ गया, ऐसा लग रहा है मैं इसी में ऑफिस जाने के लिए भी बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं इसको भी पहन के ऑफिस जाऊंगी पक्का। प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, समर अप्रोप्रिएट है, ये ट्रेंडिंग भी काफी है ये वाला आलिया कट एंड मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना मेरे को। आप देख सकते हैं इसको मैं स्टाइल किया है ब्लैक पैंट्स के साथ, आप इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल डेनिम के साथ भी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा ये। ये तो हर किसी चीज पर जाएगा यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। जब से मेरा पैकेजेस आए ना मेरी बस आंख इसी पैकेज पर थी कि कब मैं वीडियो बनाऊ कब मैं इसको खोलू एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। सब प्रिंट एंड एवरीथिंग बहुत 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 प्यारा है एंड मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये। गाइस दैट्स इट, आई होप आपको अपने लिए बहुत सारी कुर्ती पसंद आई होंगी इस हॉल में। सो गाइस ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड ये वीडियो जरूर लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड मुझे जरूर बताना कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो या आज के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।